हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन। भैया आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे तुम क्लास 12th के इंग्लिश के पूरे सिलेबस को दो दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, लेकिन ये वीडियो उतनी ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। देखो, अब तक तुम सब बच्चों ने अलग अलग पार्ट ऑफ इंग्लिश पोर्शन को कम्प्लीट कर लिया होगा, लेकिन ये चीज मुझे तो नहीं पता है, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि तुमने कुछ भी कम्प्लीट नहीं किया है। एंड तुम्हारे पास सिर्फ दो दिन है, और इन दो दिनों में तुम 80 में 75 प्लस लाना चाहते हो। बाकी 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के वो तो मैं तुम्हें नहीं दिलवा सकता, वो तो तुम्हारे स्कूल वाले पे डिपेंड करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या तुम लोग वो चीज करने को रेडी हो जो मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ? क्या तुम अगला दो दिन मेरे बताए हुए तरीके से डेडिकेट करने के लिए रेडी हो? देखो, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, और इलॉजिकल बातें नहीं करेंगे कि एक ही दिन में पूरा बुक पढ़ डालो, जो कि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे लिटरेचर सेक्शन में दो बुक है, फ्लेमिंगो बुक और विस्तस बुक, एंड आई नो एक दिन में दोनों बुक पढ़ पाना पॉसिबल नहीं। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। रीडिंग सेक्शन 22 मार्क्स का आता है, राइटिंग सेक्शन 18 मार्क्स का आता है, और लिटरेचर सेक्शन 40 मार्क्स का आता है। तो चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, तुम्हारे लिटरेचर सेक्शन में दो बुक है, फ्लेमिंगो और विस्तस। फ्लेमिंगो बुक में स्टोरी भी होता है, पोएम भी होता है, और विस्तस बुक में सिर्फ स्टोरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लेमिंगो बुक के सारे चैप्टर्स और पोएम्स को कैसे पढ़ना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस यूट्यूब में सर्च करना है फ्लेमिंगो बुक वन शॉट बाय एडुकेशनल भैया, या फिर तुम मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो, जहां पे तुम्हें एक प्रॉपर वन शॉट वीडियो देखने को मिलेगा 3 घंटे का। इन 3 घंटों में मैंने तुम्हारे फ्लेमिंगो बुक का सारा चैप्टर्स कवर करा है। हां, लेकिन इसमें पोएम कवर्ड नहीं है। पोएम के लिए तुम्हें दूसरा वीडियो खोलना पड़ेगा, जो कि ये वाला है। अब ये दोनों वीडियो जो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है। इसमें मैंने तुम्हारे चैप्टर का एक एक लाइन एक्सप्लेन करा है, मतलब कि इसके बाहर से क्वेश्चन आने का सवाल ही नहीं उठता। चाहे पैरेलल क्वेश्चन आए, चाहे थीम बेस्ड क्वेश्चन आए, चाहे मोरल बेस्ड क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा। अगर तुम्हारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, मतलब तुम्हें पता है कि स्टोरी क्या है, हर कैरेक्टर का रोल क्या है, उसका मोटिव क्या है, तब बाहर से कहां से आएगा क्वेश्चन? ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जिसे तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब तुम इन वीडियोस को देखो ना, तो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ देखा करो। ऐसा नहीं कि बगल में टीवी चल रहा है, तुम बस चिप्स कुरकुरे खाते हुए वीडियो को देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। इट्स नॉट अ मूवी, इट्स फकिंग चैप्टर एक्सप्लेनेशन। हाँ, मुझे पता है मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें एकदम मूवी जैसी लगती है, खुद की तारीफ कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम मस्त ऐसे ही बैठकर वीडियो को देखने लगते हो। बट प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर एक लाइन जो मैं वीडियो में बोलता हूँ उसे ध्यान से सुना करो, क्योंकि वो लाइंस जो मैं फनी वे से बोलता हूँ ना, वो मेरे मुंह से निकले हुए वर्ड्स नहीं होते, वो तुम्हारे फ्लेमिंगो और विस्तस बुक से निकले हुए वर्ड्स होते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास एक हफ्ते से ज्यादा होता तो मैं तुम्हें कहता कि सारे चैप्टर के की लाइंस और कीवर्ड्स को याद कर लो, लेकिन अब दो दिन में वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी तो तुम बस इतना ही कर सकते हो कि तुम वीडियोस को प्रॉपरली ध्यान से देख सकते हो। तुम्हें विस्तस के साथ भी ऐसा ही करना है, तुम्हें विस्तस का वन शॉट भी मेरे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, वरना तुम सिंपली सर्च करना एडुकेशनल भैया विस्तस वन शॉट, तुम्हें डायरेक्टली यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। अरे रुक जाओ, अभी भागने की जरूरत नहीं है, अभी लिटरेचर खत्म नहीं हुआ है। अभी तुम्हें एक बोनस वीडियो देखने को मिलेगा, जो कि है पोएटिक डिवाइसेस का। इस वीडियो को देखे बिना तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हर साल तुम्हारे एग्जाम में पोएटिक डिवाइसेस से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, और इस वीडियो में मैंने तुम्हें प्रॉपरली बताया है कि पोएटिक डिवाइसेस को पहचानते कैसे हैं, और तुम्हारे जितने भी पोएम्स हैं ना, सभी पोएम्स में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं, मैंने सब कुछ अच्छे से बता रखा है। अब तुम लोग उसे पोएटिक डिवाइसेस बोलो या फिर लिटरेसी डिवाइसेस, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होता है। ये वीडियो करीब 25 मिनट बड़ा है, तुम आराम से 1.5x में इसे देख सकते हो। 15 से 20 मिनट में तुम्हारा पोएटिक डिवाइसेस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दुनिया में जितने भी पोएटिक डिवाइसेस हैं ना, तुम ऐसी चुटकी बजाते हुए पहचान लोगे, और वो दो नंबर जो तुम में से मैक्सिमम बच्चे ऐसी गवा के आते थे, या तुक्का मार के आते थे, या ऐसी रिस्क लेते थे कि यार चलो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो दो नंबर को भी तुम अपने जेब में कर सकते हो। एंड बोर्ड एग्जाम्स में तो एक एक नंबर बहुत कीमती होता है, और ऐसे जो तुम्हारे लिटरेचर का 40 मार्क्स होता है ना, वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे राइटिंग सेक्शन की तरफ, जो कि तुम्हारा 18 मार्क्स का होता है। एंड ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें तुम्हें फ्री के मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे उन मार्क्स को उठा नहीं पाते हैं। एंड पता है उनकी गलती क्या होती है? कि वो लोग सिर्फ फॉर्मेट पढ़ के चले जाते हैं। देखो, राइटिंग सेक्शन में तुम्हें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसका तुम्हें नंबर दिया जाता है। एंड अगर तुम इन चारों टॉपिक के फॉर्मेट पढ़ के भी चले जाओगे ना, तो तुम्हें सिर्फ 4 नंबर ही मिलेगा 18 में से, सिर्फ 4 नंबर। बाकी के 14 नंबर कैसे मिलेंगे? वो तो तुम्हें तब मिलेगा ना, जब तुम्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, तुम्हें ये पता होगा कि बॉडी के अंदर क्या लिखते हैं, कैसे सब कुछ सिक्वेंस में लिखना है, और मैजिक लाइन्स क्या क्या होते हैं, जिन्हें तुम सेम टू सेम चेप कर भी आओगे तब भी तुम्हें पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे, भैया आप डरा क्यों रहे, हमें सॉल्यूशन बताइए, हमें पता है हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, क्लास 12 राइटिंग सेक्शन 2024 करके। इस प्लेलिस्ट में तुम्हारे राइटिंग सेक्शन के 6 के 6 टॉपिक का एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली किया हुआ है। हर टॉपिक का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, हर टॉपिक का फॉर्मेट, हर टॉपिक के मैजिक लाइंस और उसके बॉडी में क्या लिखना है, सब कुछ प्रॉपरली बताया हुआ है। चाहे तुम्हारा नोटिस राइटिंग हो, चाहे आर्टिकल राइटिंग हो, चाहे रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे तुम्हारा लेटर टू एडिटर हो, चाहे तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन का टॉपिक हो, चाहे तुम्हारा इनविटेशन एंड रिप्लाई हो, सारी वीडियोस अवेलेबल है।
और कंफ्यूज मत हो, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का दिमाग घूम गया होगा, वो सोच रहे होंगे भैया आपने बोला चार ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो छह टॉपिक कैसे है। तो चलो जिनको अपना सिलेबस भी नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, तुम्हारा नोटिस राइटिंग का दो क्वेश्चन होता है जिसमें से तुम्हें एक अटेम्प्ट करना होता है, फिर तुम्हारा इन्विटेशन एंड राइटिंग का दो क्वेश्चन होता है जिसमें से तुम्हें एक अटेम्प्ट करना होता है, फिर तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में से कोई एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है तो तुम इनमें से कोई एक पढ़ के भी जा सकते हो, लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा दोनों पढ़ के जाओ, फिर एग्जामिनेशन हॉल में जो इजी लगेगा उसे अटेम्प्ट करना। लाइक 15 मिनट का तो वीडियो है, उसे भी तुम 1.5x में देखोगे तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो बेमतलब का स्किप करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर एट लास्ट तुम्हें लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन में कोई एक अटेम्प्ट करना होता है, एंड अगेन अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो तुम लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन में कोई एक पढ़ के जा सकते हो, लेकिन फिर से मैं तुम्हें ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा, दोनों पढ़ के जाना। तो इस तरह से तुम्हें चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और तुम्हारा जो टॉपिक होता है वो 6 होता है, और इस तरह से तुम्हारा राइटिंग सेक्शन 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकता है। और सॉरी मैं लिटरेचर सेक्शन का टाइमिंग बताना भूल गया था, तुम लिटरेचर सेक्शन भी आराम से 7 से 8 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन का 40 मार्क्स और राइटिंग सेक्शन का 18 मार्क्स सिक्योर होता है। अब हम लोग रीडिंग सेक्शन के 22 मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं कि उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, उसमें तुम 22 में 22 कैसे ला सकते हो। रीडिंग सेक्शन में तुम्हारे दो अनसीन पैसेज आते हैं, एक 12 मार्क्स का आता है और एक 10 मार्क्स का आता है। अनसीन पैसेज का मतलब ही होता है कि जिसे तुमने पहले कभी देखा नहीं हो, तुम्हारे एग्जाम में एक ऐसा पैराग्राफ उछल के आ जाता है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं है, एंड उससे तुम्हें 22 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। वैसे तो ये बहुत ज्यादा इजी होता है, बस दो मेन प्रॉब्लम होते हैं, एक कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं जो किसी को समझ में नहीं आता, एंड दूसरा ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, ऊपर से इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंदी आता है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे 1 घंटा अनसीन पैसेज में ही लगा देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। 40 से 45 मिनट से ज्यादा अनसीन पैसेज में नहीं लगाना चाहिए, वरना या तो तुम राइटिंग सेक्शन का कोई क्वेश्चन छोड़ के आओगे या तो कोई लिटरेचर सेक्शन का क्वेश्चन छोड़ कर आओगे। लेकिन डरो मत, आगे मैं तुम्हें एक ऐसा वीडियो रिकमेंड करूंगा जिससे कम से कम तुम्हारा 10 मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। मतलब अगर तुम एग्जाम में 60-65 लाने वाले होगे तो तुम 75 लेकर आओगे, 75 लेके आओगे 80 में से, और अगर तुम 70-75 लाने वाले होगे तो 80 में 80 लाओगे। लेकिन पहले तुम रीडिंग सेक्शन का ये वाला वीडियो देख लेना, ये वीडियो पिछले साल का है, लेकिन तुम्हें रीडिंग सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने तुम्हें प्रॉपरली बताया है। चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिनों में रीडिंग सेक्शन का एक नया वीडियो लेकर आने का, अगर पॉसिबल होता है तो। इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखा करो, तो तुम सिर्फ 15 से 20 मिनट में रीडिंग सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब ये समझ जाओगे कि उसे कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे उसमें से नंबर उठाना है। अरे रुको रुको, भागो मत, मुझे पता है तुम्हारा रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट हो गया, तो तुम्हें लग रहा होगा कि अब मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन रुको, भागो मत, वरना अभी भी इंग्लिश में तुम्हारे 80 में 60-65 ही आएंगे। देखो तुम लिटरेचर सेक्शन को आराम से 1 दिन में कंप्लीट करना, क्योंकि बस 7 घंटे का वीडियो देखने की बात नहीं होती, उसे समझने की भी बात होती है, तो उसमें आराम से 1 दिन चला जाएगा, और फिर तुम रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन 1 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर बचता है तो तुम उसमें रिवीजन कर सकते हो। वैसे मैं लास्ट डे रिवीजन कैसे करना है उस पे भी वीडियो लेकर जल्दी ही आने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे लास्ट के 2 दिन में सैंपल पेपर और क्या क्या सॉल्व करते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, वो तब सॉल्व किया जाता है जब एग्जाम आने में थोड़ा टाइम बचा होता है। हाँ, तुम 1-2 सॉल्व कर सकते हो, 1-2 गेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो, ताकि तुम्हें ये पता चले कि एग्जाम में कैसे लिखना है और कैसे टाइम मैनेज करना है, लेकिन उससे ज्यादा वर्थ इट नहीं है कि 5-10 सैंपल पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। इससे बेटर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। अब उस वीडियो का रिकमेंडेशन का वक्त आ गया जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोलते आ रहा था, जो तुम्हारा 10 मार्क्स बढ़ाएगा, वो है तुम्हारा ये वाला पेपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट का वीडियो। ये वीडियो को मैंने प्रॉपर रिसर्च करके बनाया है। मैंने जो जो इस वीडियो के अंदर बताया है ना, मैं चाहता तो उसका 5 वीडियोस बना सकता था। एक वीडियो होता तुम्हारा राइटिंग सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है, एक वीडियो होता तुम्हारा रीडिंग सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है, एक वीडियो होता तुम्हारा लिटरेचर सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है, एक वीडियो होता तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और एक वीडियो होता तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। लेकिन मैंने सब कुछ इस 22 मिनट के वीडियो में बताया है। दिखने में ये वीडियो छोटा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा पक्का मार्क्स इंप्रूव होगा। एंड ये चीज मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। तुम्हें पता है पेपर प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा चीज होता है जो एवरेज और टॉपर के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों ने बराबर ही पढ़ा होता है, लेकिन वहीं टॉपर्स को पेपर प्रेजेंटेशन आता है और एवरेज स्टूडेंट को नहीं आता है। देखो अगर तुम्हें पता होगा ना कि रीडिंग सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, राइटिंग सेक्शन का कैसे करना है, लिटरेचर सेक्शन का कैसे करना है, तो ऑब्वियसली तुम ज्यादा मार्क्स तो ला ही सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट खत्म होता है। एट लास्ट मैं तुम्हें एक अल्टरनेट बता रहा हूँ, अगर तुम 499 रुपीज पे करने के लिए रेडी हो ना, तो तुम्हें एडुकेशनल भैया ऐप जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसमें मेरा कोर्स देखने को मिल जाएगा, एंड उस कोर्स में 15 घंटे से भी ज्यादा के लेक्चर्स है, जिसमें तुम्हारा प्रॉपर रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर सेक्शन कवर्ड है, एंड स्मार्ट बोर्ड के जरिए मैंने तुम्हें प्रॉपर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड सब कुछ एक्सप्लेन करा है, एंड वैसे लेक्चर्स तुम्हें नॉर्मली यूट्यूब में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, बट हाँ 15+ आवर्स के लेक्चर्स हैं और उसके साथ तुम्हें नोट्स बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा। तो हाँ, अगर तुम पे कर सकते हो तभी ज्वाइन करना, वरना तो यूट्यूब है ही, यूट्यूब में तुमको सब कुछ फ्री देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंप्लेन मत किया करो, बुरा लगता है, कोर्स अलग चीज होता है, यूट्यूब अलग चीज होता है। और हाँ, अगर तुम नोट्स को अलग से लेना चाहते हो तो तुम सिर्फ 149 रुपीज में ले सकते हो, उसमें तुम्हें वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे,
लेकिन सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। देखो अगर तुम ऐसे गूगल में सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत तरह के नोट्स देखने को मिल जाएंगे, और मैं किसी की भी नोट्स की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एडुकेशन भैया ऐप में तुम्हारे सारे लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन का नोट्स डाला है। हर एक टॉपिक के नोट्स अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स के थीम, मोरल, की पॉइंट्स, कीवर्ड्स, कैरेक्टर स्केच ट्री, पोएम्स के पोएटिक डिवाइसेस, राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और बॉडी में क्या लिखना है, हर एक चीज का नोट्स अवेलेबल है। हाँ, बट ये फ्री नहीं है क्योंकि इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगा है। देखो और भी बैकएंड में बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि मैं यूट्यूब में पब्लिकली बोलना नहीं चाहता, बट फिर भी बोल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार फ्री क्यों नहीं है, फ्री क्यों नहीं है। तो ऐप को मेंटेन करने का भी कॉस्ट लगता है और सर्वर कॉस्टिंग भी लगता है, तो उस वजह से मुझे 149 रुपीज मिनिमल चार्ज रखना पड़ा है, जिसमें तुम्हें 25 से भी ज्यादा नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर तुम लोग चाहो तो जाके इन नोट्स को खरीद सकते हो, और अगर नोट्स पसंद आता है तो ऐप को रेट करना मत भूलना, तुम्हारी रेटिंग मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तुम बता सकते हो कि तुम्हें नोट्स कैसा लगा, अपना सजेशन दे सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो, और अगर आज के इस वीडियो देखने के बाद तुम अपना अगला 2 दिन प्रॉपर डेडिकेट करते हो और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाते हो तो रिजल्ट आने के बाद प्लीज एक कमेंट छोड़ देना, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि ऐसे भी हमारा सफर 1-2 दिन में खत्म होने वाला है, फिर ना तो मैं तुमसे कभी फ्यूचर में मिल पाऊंगा और ना ही तुम्हें मेरी वीडियोस देखने की जरूरत पड़ेगी, बट वो कमेंट्स मेरे लिए मैटर करते हैं, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अब तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाओ अभी से पढ़ाई में लग जाओ, इस बार सब फोड़ के आना। बाय बाय।